तो दिस इज़ ऑल न्यू स्क्रैम 411। ऑब्वियसली ये न्यू नहीं है, ये टेस्ट राइड वाला बाइक है। एंड आज इस बाइक को हम डिटेल एक रिव्यू वीडियो बनाने वाले हैं, क्योंकि बहुत दिनों से मगजमारी चल रही थी अपने लाइफ में भी एंड राइडिंग को लेके भी। तो फाइनली मुझे टाइम मिल पाया है और मुझे एक अच्छा खासा एक शांत प्लेस मिल पा रहा है। शुरुआत करते हैं चाबी से। तो चाबी में कोई बदलाव नहीं किया गया है, एज इट इज़ हिमालयन वाला ही चाबी मिलता है जो आपको हिमालयन में देखने को मिलता था। एंड बाइक को अगर एक वॉक अराउंड लिया जाए तो बाइक में काफ़ी ज़्यादा मेजर कॉस्मेटिक चेंजेस है, मैकेनिकल चेंजेस बिल्कुल नहीं भी है इस बाइक में। और क्या क्या इसमें कॉस्मेटिक चेंजेस है, एंड अगर आगे की तरफ से अगर बात करते हैं तो आगे की तरफ से अगर आप देखा होगा यहाँ पे तो हेडलाइट में आपको कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे। हालांकि यहाँ पे जो है हाइड्रोजन बल्ब है सेम एज़ हिमालयन। और आगे से ये काउल की बात करोगे तो काउल बिल्कुल डिफरेंट है, हिमालयन की तरह नहीं है, जो कि ऑब्वियसली स्क्रैम लुक देने के लिए इन्होंने इस काउल का डिज़ाइन किया गया है, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि जैसा कि इसका डिज़ाइन है उस तरीके से ये बिल्कुल फिट बैठता है। ये इंडिकेटर है विच इज़ ऑल्सो हाइलोजन बल्ब, LED नहीं दिया गया है। एंड आगे तरफ ये बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 19 इंच के ट्यूब वाले टायर मिलते हैं विच इज़ ऑब्वियसली स्पोक। एंड 19 इंच, क्योंकि यहाँ पे हिमालयन में 21 इंच का मिल रहा था, यहाँ पे 19 इंच का मिल रहा है। सो जो टायर साइज़ है वो 19 इंच है। एंड सस्पेंसन जो है थोड़ा सा ट्रैवल डिस्टेंस जो है हिमालयन जो आपको मिलता था BS6 वाला उससे थोड़ा सा आई गेस 10 mm या 20 mm वो ट्रैवल डिस्टेंस जो है एग्जैक्टली कम है। साइड से अगर बात की जाए इस बाइक की तो साइड में आपको टैंक जो होता है, टैंक का लुक बिल्कुल सेम है, टैंक साइज़ भी इनफैक्ट सेम है, 15 लीटर का टैंक है इसका। एंड यहाँ पे बहुत मेजर चेंजेस जो आपको देखने को मिल रहा है इस बाइक में वो ये फेंडर है विच इज़ ऑब्वियसली आपको हिमालयन में यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा एक फेंडर मिल रहा था जिसमें आप ऑब्वियसली जैरिकन वगैरह फिट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक डिज़ाइन को फिट करने के लिए इसने एक छोटा सा ये फाइबर का बॉडी दे रखा है जिस पे क्लियरली रॉयल इनफील्ड लिखा हुआ है। एंड अगर आप टैंक पे देखोगे तो 411 काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है और काफ़ी यूनिक स्टाइल में इसने दे रखा है विच इज़ ऑब्वियसली टू रिप्रेजेंट स्क्रैम्बलर लुक। और अगर साइड से बात की जाए तो साइड में और कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। एंड यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा हिमालयन स्क्रैम 411 और ये जो फेंडर है साइड पैनल जो है ये भी चेंज आपको मिलेगा, और हिमालयन में बिल्कुल अलग है इसका, जो कि आपने ऑब्वियसली मेरे पुराने वीडियोस में देख रखे होंगे। एंड बाकी जो फ्रेम वगैरह है बिल्कुल सेम है एज इट इज़ हिमालयन है। एंड अगर साइड से और बात की जाए तो साइलेंसर जो है वो भी बिल्कुल सेम है। एंड अगर पीछे से बात की जाए आपको मेजर जो चेंजेस मिलेंगे ये ग्रैब हैंडल में मिलेगा, क्योंकि हिमालयन में ग्रैब हैंडल विथ लगेज रैक आता था, टॉप रैक आता था, लेकिन इसमें सिंपल एक ग्रैब हैंडल दे रखा है और ये मेजर चेंजेस है इसमें। एंड बात की जाए मडगार्ड के पीछे की तरफ तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है, हाँ कलर वाइज थोड़ा सा चेंजेस किया गया है और थोड़ा सा ये कर्व लुक दिया गया है जो कि आपको हिमालयन में भी है लेकिन आपको उतना नोटिसेबल नहीं होता वो चीज़। टेल लाइट बिल्कुल सेम है विच इज़ ऑल्सो हाइलोजन बल्ब, इंडिकेटर भी आपको हाइलोजन बल्ब मिलते हैं। हालांकि यहाँ पे LED अगर दिया जाता तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होता। हालांकि जो जो डिसअपॉइंटमेंट हैं वो हम इस वीडियो में लेटर ऑन पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। एंड जो आपको रियर साइज़ मिलता है वो बिल्कुल सेम है विच इज़ 17 इंच। टायर का जो यहाँ पे साइज़ है 120x19 17 इंच का टायर यहाँ पे मिलता है जो कि सेम एज़ हिमालयन है विच इज़ ट्यूब टायर स्पोक व्हील के साथ। पीछे का जो फेंडर है बिल्कुल सेम है, यहाँ पे आपको कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे। एंड साइड फेंडर भी जो फेयरिंग है ये जो कैबिनेट है यहाँ पे भी हिमालयन स्क्रैम 411 लिखा हुआ है। अगर बात की जाए तो यहाँ पे काफ़ी एक नोटिसबल चेंज देख रहे होगे आप सीट में, तो ऑब्वियसली स्क्रैम को लुक देने के लिए इन्होंने स्प्लिट सीट नहीं बना रखा है हिमालयन में। हालांकि आपको स्प्लिट सीट मिलता है एंड यहाँ पे एक सिंगल सीट मिलता है विच गोज़ ऑल द वे फ्रॉम बैक टू फ्रंट। और सीट का जो साइज़ एंड कुशनिंग वगैरह देखा जाए तो काफ़ी सॉफ्ट कुशन है। एंड पीछे वाले पिलियन को हालांकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन मिलने वाला है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है अनलाइक द हिमालयन, यहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड मिलता है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्ट कुशनिंग है तो उसके वजह से मे बी लॉन्ग राइड में आपको थोड़ा सा तकलीफ होने वाला है, मुझे तो अभी तक नहीं क्योंकि मैंने उतना लॉन्ग राइड किया नहीं है। लेकिन अगर आप बाइक को टेस्ट राइड में अगर टेस्ट करते हो उस बेसिस पर अगर जज करते हो तो हाँ आपको कम्फर्टेबल सीट लगेगी क्योंकि ऑब्वियसली सॉफ्ट कुशनिंग की गई है, इसमें सॉफ्ट पैडिंग दे रखी है अनलाइक द हिमालयन, क्योंकि हिमालयन में काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा हार्ड है ये एंड विच इज़ ऑल्सो गुड फॉर लॉन्ग राइड क्योंकि सॉफ्ट कुशन की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा पेनफुल हो जाता है अगर आप लॉन्ग राइड प्रेफर करते हो। लेकिन यहाँ पे पिलन राइड को काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होने वाला है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है
हिमालयन में इतना ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, तो अगर हिमालयन में भी इतना ज़्यादा ब्रॉड रहता प्लेन सीट तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता। एंड विच इज़ सिंगल सीट, एंड सिंगल सीट शायद पता नहीं क्यों, अगर हिमालयन में डबल सीट था तो इसमें भी डबल सीट देने में कोई दिक्कत नहीं थी। पता नहीं इन्होंने सिंगल सीट क्यों दिया, मे बी जस्ट टू गिव अ स्क्रैम लुक इन्होंने सिंगल सीट दे रखा है। एंड यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये आपको नकल गार्ड जो है एज ए सीरीज पार्ट मिलता है। एंड बात की जाए यहाँ पे जो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को अगर आप ऑन करते हो यहाँ पे काफ़ी कुछ डिटेल्स आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे आपका फ्यूल मीटर है जो कि ऑब्वियसली अभी एम्प्टी पे है, एंड यहाँ पे आपको गियर इंडिकेटर मिलते हैं। यहाँ पे ट्रिप एफ है विच इज़ रिजर्व में, एंड यहाँ पे आपको ओडोमीटर मिलता है, एंड यहाँ पे आपको ट्रिप ए एंड ट्रिप बी एंड ट्रिप एफ, और यहाँ पे आपको टाइमिंग देखने को मिलती है। एंड ये आपका स्पीडोमीटर है, यहाँ पे आपको टैकोमीटर नहीं मिलता है, हिमालय में मिलता है। यहाँ पे आपको स्क्रैम 411 लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पे आप ट्रिप नेविगेटर लगा सकते हो विच इज़ ऑल्सो एसेसरीज पार्ट जो कि आपको एसेसरीज में मिलेगा, वो एडिशनल कॉस्ट पे है। एंड यहाँ पे अगर बात की जाए स्विचेज़ में तो स्विचेज़ बिल्कुल सेम है जस्ट लाइक द हिमालयन, कोई चेंजेस नहीं किए गए स्विचेज़ में। एंड यहाँ पे भी अगर आप स्विचेज देखो तो ये किल स्विच है, दिस इज हैजार्ड वाला स्विच, एंड यहाँ पे आपको सेल्फ स्टार्ट स्विच मिलता है। इसको ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे आपको एक स्विच दिया गया है जिसके थ्रू आप इसको ऑपरेट कर सकते हो, इसको चेंजेस कर सकते हो। थोड़ा सा और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव इस वाले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसको बना सकते थे। हिमालय में आपको काफ़ी वाइड एंड इन्फॉर्मेटिव जो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती है, लेकिन स्क्रैम में अनफॉर्चुनेटली वो सब चीज़ें नहीं है, विच क्लियरली स्टेट्स कि ये बाइक किस पर्पज़ के लिए बनी हुई है और क्या क्या यूजेज है इस बाइक को और कैसे कैसे टेरेन में आप इस बाइक को यूज़ कर सकते हो, चला सकते हो। और अगर बात की जाए इंजन की तो आपको इंजन जो है हिमालय वाला जस्ट सेम मिलता है विच इज़ 411 सीसीज। एंड हालांकि इस बाइक की जो टोटल वेट है वो डिक्रीज़ की गई है विच इज़ अराउंड 6 kg, इन्होंने बाइक का वेट जो है कम कर रखा है। एंड बाइक का वेट कम करने का क्लियर एविडेंस जो है आपको मिल सकता है, यहाँ पे अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पे आपको सेंटर स्टैंड जो है नहीं मिलता है जो आप एसेसरीज लगा सकते हो। हालांकि कंपनी का कहना है कि 1.5 kg का वजन ये और ज़्यादा गेन कर सकती है, तो फिर 6.5 kg का जो वेट डिफरेंस है वो आपका 5 kg के अराउंड रह जाएगा। यहाँ पे व्हील साइज़ जो कम किया गया है उसके वजह से भी वेट जो है इसका कम हो रखा है, जिसके वजह से आपको थोड़ा सा लो RPM पे आपको एग्जैक्ट 32 Nm का टॉर्क आपको मिलने वाला है, जो कि आपको हिमालयन पे अराउंड 4,500 RPM मिलता था, इस पे 4,250 RPM पे आपको मिलेगा सेम टॉर्क। अगर आप स्पीड की बात की जाए, लेकिन जहाँ तक कंपनी का कहना है दिस बाइक गोज अप टू 135 km/h, एंड हिमालयन के जो टॉप स्पीड मैंने जो पर्सनली जो एक्सपीरियंस की है वो भी 120-135 के आसपास ही मैंने हिमालयन को स्ट्रेच किया है। हालांकि उस वक्त जब आप ट्रिपल डिजिट में रहते हो विच इज़ 120 और एवो 120, तो आपको बाइक पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है, इंजन पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है, एंड बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस आपको फील होने लगते हैं। एंड ऑब्वियसली दिस इज़ BS6 मॉडल, तो BS6 में बहुत ज़्यादा रिफाइंड इंजन मिला है आपको, एंड ऑब्वियसली विच इज़ सेम एज़ हिमालयन, बट वेट कम होने की वजह से इसके जो डिज़ाइंस हैं हैंडल थोड़ा सा नीचे की तरफ है, क्योंकि ऑब्वियसली व्हील साइज आपको छोटा मिलता है तो हैंडल थोड़ा सा डाउनसाइड है। एंड जो आपका सस्पेंशन है उसका ट्रैवल डिस्टेंस भी थोड़ा सा कम है, 20 Nm का जो है वो ट्रैवल डिस्टेंस कम है हिमालयन का कंपैरेटिवली, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा गाड़ी जो है डाउनवर्ड की तरफ झुका मिलेगा, विच ऑल्सो एविडेंटली ये बाइक जो है आपको सिटी के लिए बनी हुई है या फिर ऑफ रोड के लिए बनी हुई है वो आप खुद जज कर पाओगे। हालांकि एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल गिव माय वर्डिक्ट कि मुझे ये बाइक पर्सनली किस पर्पस के लिए लगती है। एंड अगर बात की जाए तो ग्राउंड क्लियरेंस की, तो ग्राउंड क्लियरेंस जो है इसका सेंटर स्टैंड की वजह से थोड़ा सा कम हो रखा है, एंड हालांकि जो बाइक की जो सीट हाइट है वो थोड़ा सा इंक्रीज है, 5 mm के आसपास जो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस वो थोड़ा सा कम है हिमालयन के कंपैरेटिवली। हालांकि वो आपको उतना ज़्यादा नोटिसबल नहीं लगने वाला है, जब तक आप एक्सट्रीम ऑफ रोड या फिर एक बम्पी रोड पे आप ना जाओ तब तक आपको वो चीज़ फील नहीं होने वाला है। हालांकि यहाँ पे जो मिरर आपको दे रखे हैं वो अगर स्क्रैम वाले मिरर दिए होते तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता। एक चीज़ जो मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा, इसमें आपको डुअल चैनल ABS ब्रेक्स मिलते हैं विच इज़ नॉट स्विचबल, तो पता नहीं क्यों हिमालयन में आपको स्विचबल ABS मिलता है, तो सेम ब्रेक्स डालने में इसको कोई घाटा का सौदा नहीं मुझे लग रहा था, बट पता नहीं इन्होंने स्विचबल ABS क्यों नहीं दिया है। हालांकि स्विचबल ABS करने के लिए आपको यहाँ पे जो है सीट को अगर आप खोलते हो यहाँ से सीट पे आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे कंपार्टमेंट मिलता है टूल बॉक्स वगैरह रखने के लिए, एंड यहाँ से जो है आप ये जो फ्यूज़ है
एबीएस का फ्यूज़ अगर आप निकालते हो तो आपका एबीएस जो है वो बंद हो जाएगा। ये देसी जुगाड़ है, हालांकि आप ट्राई मत करना जब तक आप टेस्ट नहीं कर लो इस प्रोसेस को अच्छे तरीके से। दोनों तरफ आपको बाइब्री के ब्रेक मिलते हैं, जो कि आपको हिमालयन में सिर्फ बैक साइड में बाइब्री के ब्रेक्स मिल रहे थे, यहाँ पे आपको फ्रंट में भी बाइब्री के ब्रेक मिल रहे हैं। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे आपका जो ये व्हील के ऊपर जो आपका फेंडर है कि आपको हिमालयन में यहाँ पे एक टॉप पे और मिलता है, विच इज़ फॉर अ प्योर ऑफ रोडिंग लुक। यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे रॉयल इनफील्ड लिखा हुआ है, हालांकि इसमें बहुत चीज़ें जो हैं आप हिमालयन वाली चीज़ें जो ऐड ऑन कर सकते हो एज अ सीरीज पार्ट। तो मिला जुला के ये कहना है कि अगर इसकी कॉस्ट जो है 2.8 समथिंग अराउंड एक्स शोरूम प्राइस, तो एसेसरीज लगा लगा के आप हिमालयन का भी प्राइस रेंज के आसपास आ सकते हो। एंड अगर आप ये ग्रैब हैंडल जो है वो भी अगर हिमालयन में लगाना चाहते हो तो वो भी एज एन एसेसरीज आप लगा सकते हो। रॉयल एनफील्ड ये सोचा कि क्यों ना दिस बाइक इज़ पर्पसली मेड फॉर द सिटी राइड, हालांकि ये ऑफ रोड एंड ऑन रोड बाइक है तो आप ऑफ रोडिंग कर सकते हो ड्यू टू इट्स इंजन, क्योंकि इंजन एंड टॉर्क सब कुछ पावर वगैरह सब कुछ सेम है, जैसे सेम एज हिमालयन, तो आप ऑफ रोडिंग कर सकते हो। एंड व्हील साइज बड़ा होने की वजह से हिमालयन ऑफ टेरेन में काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती थी, लेकिन व्हील साइज इसका जो 19 इंच किया गया है जो कि छोटा है हिमालयन से, उसके बावजूद भी आप ऑफ रोडिंग काफ़ी मज़ेदार तरीके से कर सकते हो। अगर आप लुक की बात करते हो, रॉयल एनफील्ड ने स्क्रैम 411 को लॉन्च करके एक अलग डिफिनेशन दी है, जो कि आप स्क्रैम से ऑफ रोडिंग इस बाइक पे काफ़ी शानदार और काफ़ी स्मूथली कर सकते हो। हालांकि एक चीज़ जो है, अगर इस इन्होंने अगर स्विचबल एबीएस दे दिया होता तो और ज़्यादा एनहांस्ड होता आपका ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस। हालांकि मे बी ये इसका फर्स्ट यूनिट था स्क्रैम 411 का, तो थोड़ा सा चीज़ें जो होती हैं वो इम्प्रूवमेंट की जाती है अगले वाले मॉडल में, तो मे बी अगर इसका स्क्रैम 411 का नया मॉडल निकले तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है इम्प्रूव्ड करके आपको मिलेंगी। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर आप सोच रहे हो कि मैं लॉन्ग टूर के लिए भी अगर स्क्रैम 411 ले सकता हूँ या फिर नहीं ले सकता हूँ, तो मेरे पर्सनल ओपिनियन में बिल्कुल अपने मत लो, क्योंकि बिल्कुल अलग डायनेमिक्स है, बिल्कुल अलग यूजेस हैं इन दोनों बाइक में। क्योंकि हिमालयन जो BS6 वाला मॉडल है वो टोटली पर्पसली बिल्ड किया गया है आप टूरिंग पर्पस के लिए, ऑफ टेरेन के लिए, लेकिन इस बाइक को मेजर कंसर्न जो है वो सिटी राइड के लिए, क्योंकि हिमालयन में बहुत सारी चीज़ें जो थी सिटी राइड में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देती थी। एंड हीटिंग वगैरह का इशू था, हैंडलिंग का इशू था, जो कि ऑब्वियसली सिटी ट्रैफिक में उतना ईजी हैंडल नहीं होता था, लेकिन विथ स्क्रैम 411 आप सिटी राइड में काफ़ी ज़्यादा आप विथ ईज के साथ आप सिटी ट्रैफिक में अपनी बाइक को हैंडल कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली अगर ऑफ रोड के मज़े लेने हैं तो स्क्रैम 411 भी काफ़ी अच्छी डील है, लेकिन अगर आप टूरिंग पर्पस के लिए लेना चाहते हो तो जस्ट गो फॉर हिमालयन। क्योंकि टूरिंग पर्पस में क्या होता है कि आपको बहुत सारे माउंटिंग ऑप्शंस मिलते हैं हिमालयन में, विच इज़ नॉट पॉसिबल ऑन दिस बाइक। अगर आप लगाते भी हो तो आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉस्टिंग पड़ती है, एंड हिमालयन में वो प्री इंस्टॉल मिलती है बाइक के प्राइस के साथ ही आपको मिलती है, विच इज़ ऑल्सो अ गुड पार्ट। अगर आप सिटी राइड के लिए या फिर डेली कम्यूट के लिए अगर इस बाइक को लेना चाहते हो स्क्रैम 411 को, तो डेफिनेटली गो फॉर इट, क्योंकि इसके प्राइस भी कम है और एक्स्ट्रा एसेसरीज भी आप लगा सकते हो अपने नीड के अकॉर्डिंग। लेकिन एट द एंड आपकी एक चॉइस है, आपका एक नीड है, जो ये बाइक अगर पूरी करती है तो ऑब्वियसली बहुत लोग ने इस पर टूरिंग वगैरह भी कर रखा है, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। क्योंकि मेरे पर्सनल ओपिनियन में इसकी सीट को लेके, इसके व्हील साइज़ को लेके एंड डुअल चैनल एबीएस जो स्विचबल एबीएस है उसको लेके बहुत सारे जो डाउट्स थे वो क्लियर हो रखे हैं, कि अगर टूरिंग करना है तो मुझे ये बाइक वॉक नहीं करना है। एंड फोर्थ पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द माउंटिंग ऑप्शंस विच यू विल नॉट गेट ऑन दिस बाइक, एंड हिमालयन आपको मिलता है। लेकिन अगर आपको एक वीकेंड ट्रिप मारना है तो यहाँ पे आप टेल बैग लगा के आराम से माउंट करके आप जा सकते हो, लेकिन सीट पोजिशन को लेके, सीट सेप को लेके, जो इसकी कुशनिंग है और इसका जो आपका फ्रंट व्हील साइज़ है, ये सब को लेके मुझे थोड़ा सा डाउट फील होता है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं लॉन्ग टूर में जा रहा हूँ तो ये बाइक मुझे कुछ हद तक ही ये कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड कर सकती है। एंड ऑब्वियसली अगर आप टूरिंग के लिए कंसिडर कर रहे हो तो विंड ब्लास्ट जो होता है हाईवेज़ पे, अगर आप एक मोटो व्लॉगर हो तो स्ट्रेट विंड आपके चेस्ट पे आती है, माइक पे आती है, जिसकी वजह से आपको ऑडियो क्लियर नहीं आता है। एंड अगर आपको हिमालयन का एक नीड पूरा करना, आपका ख्वाहिश है और आपको फील चाहिए हिमालयन वाली, तो आप हिमालयन ले सकते हो स्क्रैम 411, लेकिन आपकी नीड्स जो होनी चाहिए वो सिटी तक लिमिटेड होनी चाहिए और थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग वगैरह आप कर सकते हो इस बाइक के साथ। अगर आपको टूरिंग करना है तो यू हैव टू गो फॉर दिस बीस्ट विच इज हिमालयन।
अब तो BS6 आ चुका है। BS6 वाले का भी हमने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, वही आप जाके देखो चैनल पे, आई कार्ड पे लिंक आ रहा होगा। लास्ट वर्डिक्ट अगर मुझे देना पड़े तो लुक में मुझे कोई कमी नहीं लगी इसके। लुक इन्होंने बहुत ही सोच समझ के बहुत ही डिफाइंड लुक दिया है, स्क्रैम वाला लुक देने की कोशिश की इन्होंने, और काफ़ी हद तक ये सक्सेसफुल भी रहे। और अगर ड्राइविंग एक्सपीरियंस की अगर बात की जाए तो आपको पावर डिलीवरी में कोई कमी महसूस नहीं होने वाली है, आपको रफ़ टेरेन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आप आराम से रफ़ टेरेन में भी चला सकते हो। कंफर्ट की बात की जाए तो सिटी राइड में कंफर्ट में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एंड कलर वेरिएंट जो आपको बहुत ज़्यादा मिलता है कलर वेरिएंट, जो कि ऑब्वियसली आप कस्टमाइज़ भी करवा सकते हो, बट रॉयल इनफील्ड ने बहुत सोच समझ के पता नहीं बहुत ज़्यादा इसमें कलर वेरिएंट, अप्रॉक्स मुझे लगता है कि 6 से 7 जो आपको कलर वेरिएंट जो है वहाँ पे मिलता है। सो बिफोर गोइंग टू शोरूम आप एक रिसर्च करो आपकी नीड क्या है, आपको टूरिंग करना है और ऑफ रोडिंग हिमालयस वगैरह पे जाना है तो डेफिनेटली गो फॉर हिमालयन। अगर आपको सिटी राइड भी करना है, ऑफ रोडिंग करना है और हल्का फुल्का टूरिंग भी करना है तो डेफिनेटली गो फॉर स्क्रैम 411, क्योंकि इसका प्राइस भी कम है और आपके नीड्स भी पूरे हो जाएंगे, आपको एक थ्रिल भी मिलेगा, आपको पावर भी मिलने वाला है। एंड कुछ दिनों में राइड स्टार्ट होने वाली है, अभी पता नहीं है स्क्रैम पे राइड स्टार्ट होने वाली है फिर हिमालयन पे राइड स्टार्ट होने वाली है। फॉर दैट यू हैव टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, क्योंकि वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलने वाला है कि कहाँ पे हम जा रहे हैं और कौन सी बाइक लेके जा रहे हैं। सो एक और चीज़ है जो मुझे उस वक्त ध्यान नहीं आया, एक्चुअली इसका जो क्लच है थोड़ा सा और ज़्यादा सॉफ्ट हो सकता था। अगर इस बाइक की लुक वक के बारे में अगर बात की जाए तो लुक में नो डाउट इन्होंने बहुत अच्छा काम कर रखा है। तो रॉयल इनफील्ड का जो है शुरू से सिद्धांत है कि फिट एंड फिनिशिंग जो है हमें हमेशा रगेट रखना, रफ एंड टफ रखना, और यहाँ पर जो है ये रिजर्व में लग चुका है बाइक। बाकी ब्रेकिंग वगैरह जो है ऑब्वियसली हिमालयन से मुझे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प लग रहा है, क्योंकि बाइब्री के आपको ब्रेक्स मिलते हैं एंड जस्ट बिकॉज आपको 19 इंच के व्हील मिलते हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा आपको ब्रेकिंग में थोड़ा सा ज़्यादा आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है अनलाइक द हिमालयन। एंड रियर ब्रेक की अगर बात की जाए तो रियर ब्रेक बिल्कुल सेम है और पावर वगैरह तो एज इट इज़ हिमालयन की तरह ही है, लेकिन बॉस फील अलग है, फील बिल्कुल अलग है और वाइब्रेशंस भी कम है क्योंकि डायनामिक्स इसके चेंज कर रखे हैं, हैंडल वगैरह या व्हील साइज वगैरह जो चेंज कर रखा है इन्होंने। रॉयल एनफील्ड और वाइब्रेशन का जो नाता है वो बरसों पुराना है। और बातें ऑब्वियसली अगर आपको पता चल गया होगा तो हमारी जो नेक्स्ट राइड जो होने वाली है उसके बारे में बातें होने वाली है। और बहुत दिनों में ये जो क्लासिक 350 है इस पे एक भी एक रिव्यू वीडियो बनने वाला है, और मेट्योर और क्लासिक 350 में क्या डिफरेंसेस है वो भी डिस्कस करेंगे हम बहुत जल्द। बहुत जल्द जो है कॉन्टिनेंटल GT का भी रिव्यू बनने वाला है भैया का दया से। भैया जिस दिन हाँ कर देंगे उस दिन इसका भी रिव्यू बनने वाला है बहुत अच्छे तरीके से। वाइड रेंज ऑफ कलेक्शंस, एसेसरीज, गियर्स, सब कुछ विथ अ स्पेशल डिस्काउंट। राजीव भैया का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये बाइक प्रोवाइड किया। भैया आप थोड़ा एक्टिंग करने वाले हैं क्योंकि कैमरा के सामने आ चुके हैं, तो थैंक यू भैया। पहले सबसे पहले थैंक यू प्रशांत भैया को और सारे व्यूअर्स को, हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और वो लोग हमारे सिद्धि विनायक शोरूम शबना मोड़ पे आए और यहाँ स्क्रैम का टेस्ट राइड और बाकी सारे टेस्ट राइड का लाभ उठाए, तो एक बार आए हमारे यहाँ और टेस्ट राइड ले सारे गाड़ियों का। क्लासिक रिबॉन है, मेट्योर है, स्क्रैम है, हिमालयन है, इनका नंबर यहाँ पे आ रहा होगा, इनको जाके परेशान कीजिए, नीचे फ्लैश हो जाएगा, परेशान कीजिए इनको जाके, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, वीडियो कॉल कीजिए, सब कुछ कीजिए, 24 आवर ऑन रहता है मेरा नंबर और हर चीज का सलाह इनसे ले, बिल्कुल, खासकर गियर एंड जीएमए।